नमस्कार। आज माननीय मुख्यमंत्री अध्यक्षतार 53वां कैबिनेट अनुष्ठित हो जाए एवं मंत्रिमंडल आज 17 गोटी प्रपोजल को डिस्कशन करिसें एवं ताको अप्रूव करिसें। से प्रस्ताव भितर प्रथम प्रस्ताव होचे स्टेट गवर्नमेंट रो जो ग्रांटी नेट जो माने पाउचंदे एलिजिबल एम्प्लॉइज एडेड नॉन गवर्नमेंट हाई स्कूल अपर प्राइमरी स्कूल्स एवं मद्रासा 20 रे तंकर जो पे फिक्सेशन करायतला 2018 मसिया को नहीं कि रिवाइज करके 1/1/22 को नहीं कि तंकर 7th पे कमीशन फिक्सेशन कराई एवं जो मैंने 100% ग्रांटीन पाउथे 31 December 2021 सुधा से मैंने यह पाइबा एलिजिबल हे यादारा 26,164 जन टीचिंग एवं नॉन टीचिंग एम्प्लॉइज ये जो नुआ न्यू एडेड नॉन गवर्नमेंट हाई स्कूल एवं यूपी स्कूल्स एवं मद्रास रे जो माने काम करजन से माने बेनिफिट पाइबे एवं राज्य सरकार एति पई प्रति वर्ष 280 कोटी टका खर्च करिवे। से भली आज राज्य कैबिनेट गोटे गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नहीं छंती भुवनेश्वर रो इंटरनेशनल फ्लाइट बैंकॉक सिंगापुर एवं दुबई पई गोटे टेंडर आह्वान करा जाइथिला जो थे कि फ्लाइट ऑपरेटर माने कोट करिवे केते टंका स्टेट गवर्नमेंट तरफ दिया जिवो एवं एंटायर टिकेट अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को आसिवो। ए जो टेंडर हेतिला सेथिरे इंडिगो एयरलाइंस अप्लाई करचंते 186 सीटर फ्लाइट इंटरनेशनल रूट रे तीनटा का रूट रे चलाया पई एवं ताको आज से जो फाइनेंशियल बिट देचंते आज राज्य कैबिनेट ताको अप्रूव करचंते। हम आशा करचु असंता मासे डेढ़ मास मध्य इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई बैंकॉक एवं सिंगापुर को आरंभ हो। से भाई आज एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट तरफ एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन इन एग्रीकल्चर प्रमोशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर वुमेन SSG उपरे गोटे प्रपोजल थिला जो थे कि मशरूम एवं फ्लोरिकल्चर मिशन ताको कंबाइन करके वुमेन SSG मान जरिया गोटे स्कीम आज राज्य कैबिनेट अप्रूव कर जो थे आसंता 5 वर्ष मध्य 367 कोटी टंका खर्च एवं आम स्टेट को ये जो मशरूम एवं लूज फ्लावर रे सेल्फ सफिशिएंट करा जिवो तेनालीराम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ताको वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट आम मिशन शक्ति डिपार्टमेंट सहित मिसिकी ताको इम्प्लीमेंट करेंगे। से भाई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आउ गोटे प्रपोजल था डेवलपमेंट अफ पोटाटो ऑफ सीजन वेजिटेबल्स एवं स्पाइसेस जो थे कि 5टी वेजिटेबल को आइडेंटिफाई कराई जो थे ओडिशा डेफिसीट अच्छी जमती आलू पियाज ऑफ सीजन वेजिटेबल एवं स्पाइसेस तेणु ये जो जो प्रोडक्ट गुड़ा ओडिशा डेफिसीट अच्छी से सेल्फ सफिशिएंट करने ओडिशा अन्य राज्य को रप्तानी करने गोटे प्रपोजल जोटा कि 1142 कोटी टंकार एवं आसंता 4 वर्ष ताको इम्प्लीमेंट करा जिवो एवं या इम्प्लीमेंट हेले आमे आशा करचो रूरल एरिया रे लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हबो एवं चासी मानकर इनकम लेवल बढ़िवो। ए जो प्रपोजल ताको वुमेन SSG एवं आमर जो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस बचंते से मानक जरिया रे ताको इम्प्लीमेंट करा जिवो। सेबळी आज राज्य कैबिनेट ओडिशा स्टेट कैपेबिलिटी एंड रेजिलिएंट ग्रोथ पॉलिसी प्रोग्राम जोटा कि गोटे एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक थ्रू रे इम्प्लीमेंट हाँ जाऊँगी ताको आज राज्य कैबिनेट अप्रूव करते तीनटी कंपोनेंट रोच गोटे हूँ सोशल प्रोटेक्शन डेलीवरी प्लाटफर्म गोटे IT डिपार्टमेंट तरफ तैयारी प्लानिंग एवं कन्वर्जेन्स डिपार्टमेंट जो स्टाटिस्टिकल सिस्टम अच्छी स्ट्रेंथन करा जिवो एवं गोटे डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर ओस्टमा अंडर डेवलप करा जिवो तीनटी कंपोनेंट पई आसंता 5 वर्ष 1183 कोटी टंका खर्च करा जिवो एवं सेथिरो वर्ल्ड बैंक लोन 816 कोटी एवं राज्य सरकार कंट्रीब्यूशन 367 कोटी टंका रहिवो एवं या पई गोटे PMO फाइनेंस डिपार्टमेंट रे करा जाई छी एवं फाइनेंस डिपार्टमेंट ए जो प्रपोजल को इम्प्लीमेंट करिवे। से भले आज राज्य कैबिनेट ओडिशा मिनिस्ट्रियल सर्विसेस मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस ऑफ जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स एंड अदर सबनेट ऑफिसर्स रूल्स 2019 अमेंडमेंट करचंदी
आगरो ग्रुप डी रु ग्रुप सी को प्रमोशन पाई जो प्रोसेस थिला जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट कराउतला एवं 600 नंबर परीक्षा कराउतला ताको मॉडिफाई कराई कंप्यूटर स्किल टेस्ट वर्तमान केवल क्वालिफाइंग हबो एवं 180 मार्क रो 3 घंटा ड्यूरेशन टेस्ट करा जिवो जादरा कि आमर जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ग्रुप डी रु ग्रुप सी को बहुत स्मूथली हो पार से भले राज्य कैबिनेट आज कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल और इक्विवेलेंट रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन फॉर स्पेशलिस्ट पोस्ट और सर्विसेज रूल्स 2022 को आज फ्रेम करछन्दे एवं ताको अप्रूव करछन्दे एथरे विभिन्न डिपार्टमेंट 10+2 मिनिमम क्वालिफिकेशन बा इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रा जते परीक्षा होतला विभिन्न सर्विस रूल माध्यम रे होतला विभिन्न डिपार्टमेंट रा तेणु स्टाफ सिलेक्शन कमिशन बहुत टाइम नौले ये परीक्षा सब करने तेणु वर्तमान डिसाइड कराई गोटे कंबाइंड रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन जहाद्वारा कि यही रिक्रूटमेंट प्रोसेस बहुत फास्ट कर जो रूलटा आज कराला तार ओवरराइडिंग इफेक्ट रु डिपार्टमेंट उपरे से भाई आज राज्य कैबिनेट आमर जो डेंटल सर्जन मैंने अच्छा से प्रमोशनल आभेन्यू विशेष किसी नाला राज्य कैबिनेट आगुरु डेंटल सर्जन मान नंबर 438-584 को वृद्धि करछन्दे जो थे कि गोटे एडिशनल डायरेक्टर 15 एडिशनल डायरेक्टर लेवल 2 17 पोस्ट जॉइंट डायरेक्टर लेवल एवं 31 पोस्ट ग्रुप ए सीनियर ब्रांच एवं 82 पोस्ट ग्रुप ए जूनियर ब्रांच रो क्रिएट करछन्दे एवं ताको इम्प्लीमेंट करिया पय जेंति डेंटल सर्जन मैंने प्रमोशनल आवेन्यू पाइबे से ये नुआ रूलटा को आज राज्य कैबिनेट अप्रूव करछन या द्वारा डेंटल सर्जन माने जो बहुत दिन दाबी थिला प्रमोशन पा नथले से उनका प्रोफेशनल अभिनय अन्य डॉक्टर मानक भलिया हबो से भली आज राज्य कैबिनेट ओडिशा एमएसएमई डेवलपमेंट पॉलिसी 2022 को अप्रूव करछन ए पॉलिसी रे एमएसएमई मानक पई बहुत गुडे बेनिफिट अछि एवं एटा इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करा जिवो राज्य सरकार प्रत्येक गाँव को एवं प्रत्येक फैमिली को सेफ ड्रिंकिंग वाटर जोगे देवाई गोटे बहुत बड़ा मिशन कार्यक्रम चली परिप्रेक्षी आज दुई गोटी मेगा पाइप वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट अनुगुल डिस्ट्रिक्टर जोटा कि टेंडर आह्वान कर दुईटा प्रोजेक्ट रे अनुगुल ब्लॉक एवं बहनपाल ब्लॉक रो प्राय 2,32,000 लोक बेनिफिट पाइबे 277 गाँ कंप्लीटली पाइप वाटर सप्लाई प्रत्येक घर को जोगाई दिया जिवो ए अनुगुल एवं बहनपाल ब्लॉक रो जो टेंडर कराई थिला पाइप वाटर सप्लाई पई मेगा प्रोजेक्ट दुटा रे केपीटीएल इन जॉइंट वेंचर विथ जेएमसी L1 टेंडर पकेचंती एवं सेति पई 357 कोटी टंका खर्च करा जिवो एवं असंता 2 वर्ष मधरे ए प्रोजेक्ट कंप्लीट हबो एतिरे 5 वर्ष पई ऑपरेशन और मेंटेनेंस चार्ज मधे इंक्लूडेड अछि बीएसएनएल तरफ रो गोटे रिक्वेस्ट आसाला राज्य सरकार पाखक जो बीएसएनएल जो टावर सब कराऊँगी विभिन्न दुर्गम अंचल जो कनेक्टिविटी नहीं सेठी 4G मोबाइल टावर जोटा सांक्शन ताको इम्प्लीमेंट करने 2000 स्क्वायर फिट रगा फ्री अफ प्रीमियम दवापाई बीएसएनएल तरफ राज्य सरकार को अनुरोध कर राज्य कैबिनेट आज ताको अनुमोदन देते 1687 लोकेशन 2000 स्क्वायर फिट रगा फ्री ऑफ प्रीमियम ऑक्युपेशन पाई बीएसएनएल को जोगाई दिया जिवो या द्वारा 1792 विलेज जो थे इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं से इंटरनेट कनेक्टिविटी पाइबे एवं बीएसएनएल एथि पई गोटे टोकन अमाउंट मात्र 1 टंका वर्ष को प्रत्येक साइट पई से माने राज्य सरकार को देबे सेबळी रेवेन्यू एवं डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजल आसतिला गंजाम जिलार हिंजली काटू तहसील समरझुला गाँव में शंकर नेत्रालय चेन्नई तरफ 4.5 एकर जमी आई हॉस्पिटल पई जोगे दिया जाए छे एवं जेहेतु एटा गोटे चैरिटेबल ट्रस्ट से माने रिक्वेस्ट करथिले तार प्रीमियम एवं अनुअल ग्राउंड रेंट कम करिया पई तनो आज राज्य कैबिनेट अनुअल ग्राउंड रेंट को 25% को कमाई देछन्ते एवं सेस मतलब 75% ऑफ द अनुअल ग्राउंड रेंट हबो या द्वारा ए जो चैरिटेबल आई हॉस्पिटल गंजाम जिले रे ठीक भाबरे फंक्शन कर परिबो से भाई स्टील एंड माइन्स डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजल थिला ओएमएमसी रूल 2016 रो अमेंडमेंट पई आगरो राज्य कैबिनेट ऑलरेडी अप्रूव करछन्ते माइनर मिनरल रो जो मैनेजमेंट थिला ताको रेवेन्यू एंड डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रो ट्रांसफर करी स्टील एंड माइन्स डिपार्टमेंट अंडर को अणा जाय छे एवं ता पई जो आनुषंगिक अमेंडमेंट सब दरकार रूल्स रे ताको आज राज्य कैबिनेट अप्रूव करछन्ते।
वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट तरफ रो महानदी उपरे दुईटा बैरेज जगत सिंहपुर एवं केंद्रापड़ा डिस्ट्रिक्ट रे करिया पे टेंडर करा जायतला गोटे होची चौधरीगढ़ा पाखरे एवं आ गोटे होची पाइका नदी रे टिकिरी पाखरे या द्वारा इन स्ट्रीम स्टोरेज हम महानदी रो भितरे बहुत पानी स्टोर करके रखी हबो एवं ताको विभिन्न पर्पस रे व्यवहार करा जाय परिबो। ए जो ईपीसी मोड रे जो टेंडर करा हितला सेतरे 344 कोटी टंका आसी एल वन टेंडर एवं 5 वर्ष ऑपरेशन मेंटेनेंस पई मध्य एथरे व्यवस्था अछि। ए जो प्रोजेक्ट हेले जगत सिंहपुर एवं केंद्रापड़ा जिलार 99 टी गाँव रोक एवं पारादीप म्युनिसिपालिटी रो मार्सागाई महाकालपड़ा ब्लॉक रो पारादीप म्युनिसिपालिटी रो 99 टी गाँव रो हजार हजार संख्यार लोक ड्रिंकिंग वाटर एवं अन्यान्य सुविधा पाइबे। ता छड़ा पिसिकल्चर लाइफ स्टक फार्मिंग एवं इरिगेशन इत्यादि मध्य एथरो हे परिबो। सेभळी जल संपद विभाग तरफ रो राउरकेला स्टील प्लांट जो रिक्वेस्ट करथिले वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट को तांकर जो वाटर ऊपर जो पेनाल्टी होची गवर्नमेंट जो रिवर जो वाटर्स वन ड्रॉ करचंदी ताको वेव करिया पे कारण से माने शंख नदी रे मंदिरा डैम तैयारी करचंदी एवं मंदिरा डैम को से माने ऑपरेशनल मेंटेनेंस मध्य करचंदी। ता छडा मंदिरा डैम रो पानी रेगुलर रिलीज करचंदी जहा कि सुंदरगढ़ जिलार जनसाधारण को सहाय रे आसुची तेणु तांकर जो प्रिंसिपल अमाउंट थिला 71 कोटी ताको से माने पेमेंट करचंदी एवं तांकर जो इंटरेस्ट एवं पेनाल इंटरेस्ट थिला 220 कोटी ताको से माने अनुरोध करथिले राज्य सरकार को छाड़ करिया पई जेहेतु से माने मंदिरा डैम पई टोटल इन्वेस्टमेंट करचंदी एवं राज्य सरकार से डैम करनांती राउरकेला स्टील प्लांट करिछि एवं तार रिपेयर मेंटेनेंस सब मध्ये से माने वर्तमान करचंदी सेति पई आज राज्य कैबिनेट ताको अनुमोदन करचंदी से माने ए जो एरिया इंटरेस्ट अछि 220 कोटी टंका ताको से माने पेमेंट करबेनी किंतु एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट से माने पेमेंट करबे। से भली वाटर रिसोर्सेस डिपार्टमेंट तरफ गोटे प्रपोजाल आसाला वन टाइम सेटलमेंट ऑफ एरियर वाटर रेट ड्यूज सेंट्रल स्टेट पीएसयू मानकर एवं अन्यान्य कमर्शियल एवं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट मानकर आगरो जेतेबेले नेचुरल वाटर रिसोर्स वाटर सोर्स को हमें गवर्नमेंट वाटर सोर्स हिसाब से नोटिफाई कले एवं तांकठु जो इंडस्ट्री माने ड्रॉ करचनी पानी नॉर्मल रिवर रो ताको हमें चार्ज कले से समय अनेक गुडे इंडस्ट्री हाई कोर्ट रे केस करचनी 21 टी केस हाई कोर्ट रे पेंडिंग अछि जोथरे कि 1219 कोटी टंका प्रिंसिपल अमाउंट एवं प्रिंसिपल अमाउंट एवं पेनल इंटरेस्ट सब एथरे अछि तेणु ताको आज जो प्रिंसिपल रे हमें नालको अनुगुल नालको दामनजोड़ी एवं एमसीएल इत्यादि पई आगरो वन टाइम सेटलमेंट कराइला कैबिनेट को लेकिन सेम प्रिंसिपल समस्त को एक्सटेंड करिया पे आज राज्य कैबिनेट डिसाइड कले जोथरे कि प्रत्येक इंडस्ट्री जो माने केस करचंदी से माने एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट एट ए टाइम जदि देबे एवं पेनल्टी जहाँ चार्ज कराई छे इरिगेशन रूल अनुसार ताको देबे एवं सिंपल इंटरेस्ट जदि 12% अनुअली से माने डिपोजिट करिवे एवं वन इंस्टॉलमेंट रे पेमेंट करिवे ताहले से मानको वन टाइम सेटलमेंट अनुसार अन्यान्य जो पेनल इंटरेस्ट चार्ज कराई छे ताको छाड़ करा जइबो। तेणु या द्वारा राज्य सरकार 1219 कोटी टंका रिकवरी करिवे एवं गोटे लिमिटेड टाइम दिया जाए या लिमिटेड विंडो दिया जाए एवं से माने भी अंडरटेकिंग देबे ये जो केस वर्तमान हाई कोर्ट रे पेंडिंग अछि एवं राज्य सरकार से कौन सी अमाउंट पाऊ नहांती स्टे ही के अछि से अंडरटेकिंग देबे से कोर्ट रो केस सब विथड्रॉ करिया पई। एभली आज राज्य कैबिनेट समुदाय 17 गोटी प्रपोजल को अनुमोदन करचंदी। धन्यवाद।